नमस्कार, मैं हूं शैलेश कुमार सिंह। बिहार में चुनाव आते ही राजनीति ने एक बार फिर से करवट बदलनी शुरू कर दी है। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे अनंत सिंह आज उनके कट्टर विरोधी माने जाते हैं, यानी आजकल वो लालू यादव के गुणगान कर रहे हैं और तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री बनाने की बात भी कह रहे हैं। बिहार के मोकामा से बाहुबली निर्दलीय विधायक अनंत सिंह ने इस बार RJD से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। आंखों पर काला चश्मा, हाथों में AK-47, नाम है अनंत सिंह। बिहार का वो बाहुबली चेहरा जिसके मर्जी के बिना बिहार के मोकामा और बाढ़ विधानसभा में पत्ता तक नहीं हिलता। सरकार किसी की भी हो, अनंत सिंह को फर्क नहीं पड़ता। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह का इलाके में इतना रौब है कि वे निर्दलीय भी लड़ जाते हैं तो भी उनको विधानसभा पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। बाहुबली डॉन अनंत सिंह अपने अजीबोगरीब शौक के चलते हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। सड़कों पर ये कभी बग्घी दौड़ाते नजर आ जाते हैं तो कभी हाथ में AK-47 लेकर पार्टी में डांस करते हैं। इस बाहुबली का एक शौक घर में अजगर पालना भी है। इसकी रसूख का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि काफी समय पहले एक फोटो सामने आई थी जिसमें बिहार के मौजूदा CM नीतीश कुमार अनंत सिंह का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। अपराध की दुनिया में अनंत सिंह का सूरज उस वक्त उगा जब महज 15 साल की उम्र में गांव के आपसी विवाद के केस में जेल जाना पड़ा, लेकिन कुछ दिनों बाद वह लड़का जेल से छूटा। उसके बाद उसने अपराध की सीढ़ी चढ़ते हुए बिहार की राजनीति में मजबूत दस्तक दी। पहली बार जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह ने हथियार उठा लिया और कुछ ही दिनों में मोकामा टाल पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। अपराध में जमने के बाद अनंत सिंह को यह एहसास हो गया कि असली जंग तो राजनीति में है, इसलिए उन्होंने अपने भाई दिलीप सिंह को चुनावी राजनीति में आने का सुझाव दिया और मोकामा से चुनाव लड़वा दिया। दिलीप सिंह ने 1990 में मोकामा से चुनाव लड़ा और अनंत सिंह के रुतबे के सहारे विधानसभा पहुंचे। 2005 में अनंत सिंह खुद सक्रिय राजनीति में शामिल हुए और JDU के टिकट पर मोकामा से जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन 2015 के चुनाव से पहले ही अनंत सिंह का नाता JDU से टूट गया। अनंत का वर्चस्व ऐसा था कि जेल में रहकर भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव बड़े अंतर से जीत लिया। एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार उनके राजनीतिक गुरु नीतीश कुमार नहीं बल्कि लालू यादव है। अब देखने वाली बात ये है कि जनता के बीच इस बाहुबली की धमक अब कितनी बरकरार है। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।